तो फ्रेंड्स वेलकम टू फर्मियन क्लासेस और हमारी सीरीज जो इन्वेस्टमेंट सीरीज चल रही थी उसका ये लास्ट वीडियो इन द टर्म ऑफ द एक्सचेंजेस आज मैं यू खोलने जा रहा हूँ और आज तक मैंने भी इसको नहीं खोला है अतः मैं पहली बार इसको इंस्टॉल किया है सो so आप और हम दोनों साथ में देखेंगे कि हाउ इज़ द हु एंड हाउ इज़ इट्स इंटरफेस सो ये मैंने ओपन किया Hubi, Google, कुछ मुझे एग्री कर देते हैं दैन ओके okay. सो so, कुछ ऐसा खुलता है ये गेट स्टार्टेड पे गया ओके स्टार्ट से ही अप करने को बोल रहा है तो मैं इसको कट करके देखता हूँ कि मैं आगे जा सकता हूँ कि नहीं सो इट वॉन्टेड मी टू मैं नहीं अपना नहीं देना चाहता हूँ ओके मैं आपका okay, लोकेशन नहीं देना चाहता हूँ वो भी को सो लेट हम लोग अंदर आ चुके हैं होबी के और जैसा कि आप इसका इंटरफेस देख रहे हो तो ये कुछ कुछ आपका बाइनेंस की तरह है अगर मैं इसमें अंदर जहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है ऑर्डर्स पी एन एल फीस कितनी है सपोर्ट कोपन्स सिक्योरिटी ओके और भी कुछ ऐसा ही और अब मैं आता हूँ यहाँ पे रिबेट है वो भी अर्न है एन एफ टी जोन है तो एन एफ टी जोन में हम लोग के एन एफ टी कॉइंस होंगे जितने भी एन एफ टी टोकन्गे सो ये खुल रहा है एन एफ टी ऑल्सो नोट एज नॉन फंजिबल टोकन इसके बारे में आपको मैं एक दिन बताऊँगा अच्छे से रिफर टू द क्रिप्टोग्राफिक एसेट विद यूनिक एंड ए रिप्लेसबल एटीट्यूड्स सो आपका एन एफ टी जैसे जो चिलीज है क्रोमिया है माना है ठीक है इंजन है पॉलीगन है ये सब एन एफ टीज है नॉन फंजिबल टोकन है ठीक है जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि एक पेंटिंग है अभी बिकी है एक ट्विटर पर सॉरी एक ट्वीट बिका है एक ट्विटर का तो वो कैसे बिका है एक वर्चुअल हम लोग ट्वीट कहीं एक एड्रेस पर रख रहे हैं वो फनजीबल है फंजिबल वो होता है जो है जिस, जिस को हम लोग छू सकते हैं नॉन फंजिबल जिसको हम लोग नहीं छू सकते तो वो नॉन फनजीबल है तो कुछ उसी से रिलेटेड है हमारा नॉन फनजीबल टोकन्स ओके गया यहाँ पर आपको टॉप गेनर्स मिल जा रहे हैं जो भी आज सबसे ज़्यादा गेन किया था जैसे कि आप देख सकते हो एस ने सबसे ज़्यादा गेन किया हुआ है उसके बाद वी ओ लीडर्स एंड न्यूएस्ट जो भी आए हुए हैं ठीक है सी टी एस आई और जो भी वगैरह वगैरह अब हम लोग चलते हैं एंड वी गो टू द होम पेज रिबेट में देखते हैं क्या है तो इसके लिए भी साइन इन मांग रहा है तो हम लोग साइन इन नहीं करेंगे वो बी अर्न में क्या है तो हम लोग अंदर जाते हैं तब तक जब तक ये खुल रहा है तब तक मैं आपको होबी का हु ओ का आई कान्ट प्रोनाउंस इट्स आई थिंक गुड हु ओ का मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता देता हूँ तो ये जो कंपनी है वो भी वो चाइना में फ़ाउंड हुई थी और इसके ऑफिस हांगकॉन्ग साउथ कोरिया जापान यूनाइटेड स्टेट्स में भी हैं और वो भी मेनली इट वॉज अ बिटकॉइन एक्सचेंज स्टार्टलिट मतलब स्टार्टली जो था उसके बाद धीरे धीरे अलग क्रिप्टो करेंसीज में आ गया 2013 में इसका फाउंडेशन फौंड, हुआ था बाय लियोन ली ठीक है सो so, इसका मेन हेडकोर्टर सी चिलीस में है और लियोन लियोनिन की अगर मैं बात करूँ तो लियोन ली के जो फाउंडर सॉरी जो यूबी के जो फाउंडर हैं जो दो तो में लियोन ली ने फाउंड किया था वो एलोमनी हैं सिंग हुआ यूनिवर्सिटी के और लीक एक कंप्यूटर इंजीनियर थे पहले ओरेकल में होबी में आने के पहले पंद्रह मई का दो हज़ार तेरह को इन्होंने क्या किया होबी डॉट कॉम एक डोमेन लिया और होमी को इन्होंने लॉन्च किया बिकॉज फॉर बिटकॉइन के लिए ट्रेडिंग के लिए ओके okay. उसके बाद दो हज़ार तेरह में इनका जो वॉल्यूम था ट्रेडिंग का वो थर्टी बिलियन यूआन जो कि क्या कहते हैं चाइना करेंसी है उसमें थर्टी बिलियन पहुँच गया और धीरे धीरे ऐसे ये बढ़ते चले गए एंड आफ्टर दैट 2017 में क्या हुआ कि चाइना ने बिटकॉइन एक्सचेंजेस को बैन किया अपने कंट्री में सो so, इन इस रिस्पॉन्स में इन्होंने छोड़ा नहीं और ये क्या किए इन्होंने कोरिया में एक्सपेंड किया और नया हार, जो हेड क्वार्टर है वो सियोल में आ, बनाया जो कि साउथ कोरिया में है एंड लाइक दिस फिर वो कुछ इनका ऑपरेशन सिंगापुर वगैरह में भी गया इन दिसंबर 2017 इन्होंने क्या किया एक टोक्यो में भी ऑफिस लॉन्च किया और ऐसे ही करते करते इन्होंने 2020 में अभी एक मलेशिया में भी एक्सचेंज अपना खोला क्रिप्टो का तो ऑल ओवर ये बाइनेंस जैसे बड़ी कंपनियों में ये मतलब उनसे उसका टक्कर है कॉइन बेस और वो भी मतलब और बहुत टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर जैसे कि शुभम चुने जा सकता सकते हैं उन्होंने भी कहा है कि वो भी इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे एरर्स वगैरह नहीं आते हैं जहाँ पे लैगिंग नहीं आती है जहाँ पे आपका जो हाँ सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है तो आज अगर हम बात करें सात टर्न सात दिन की तो यहाँ पे मैं जब फी वो भी अर्न में आया है ये क्या था बी में आपको बारह परसेंट सात दिन में लॉकिंग एंड माइनिंग के लिए भी आपका मन रहा है ये। ओके इथेरियम टू पॉइंट जो आने वाला है अभी आया नहीं है तो उसके बारे में भी कुछ कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है सो तो हम लोग इसको खोलते हैं देखते हैं क्या दिया हुआ है ई टी एच इथ टू पॉइंट वन क्लिक एक्सचेंज सो व्हाट आर द रूल्स अच्छा हाँ इथ का क्या है जो भी दिक्कत इथ के साथ थी वो जो कि हमारे मैटिक और कार्डनों ने क्या किया है कि इथ में जो जो डिब बग्स थे उसको इन्होंने बहुत हद तक सही किया है बट कार्डेनो का क्या है आ, अगर सितंबर में इसका कार्डेनों का देखा जाए तो दो तीन आ, अच्छे प्रमोशंस हैं इसके सो so, आप ईथ टू पॉइंट ओ कार्डेनो में कुछ दिक्कत आ सकती है इस बारे में हम लोग बात बात करेंगे लेट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सो एक्सचेंज जगह एक ईथ की जगह आपको एक बी टी मिलेगा मिनिमम जीरो पॉइंट वन विध प्राइज हू बी ग्लोबल हैज़ नाउ ओपन ओके ओके ये सब चीज़ मैं आपको बाद में पढ़ के बता दूंगा लेट हम लोग वापस आते हैं इसका इंटरफेस में सो हू भी एन एफ टी जोन देख लिया चैट भी हम लोग यहाँ पे चैट का पोर्स में हम लोग सपोर्ट ओके सपोर्ट ले सकते हैं हम लोग चैट का हैं डिपॉजिट कर सकते हैं यू एस डी टी है हैको कुछ नया दिख रहा है सो so, हैको पे हम लोग जाते हैं तो मुझे लगता है कुछ हैको कॉइन्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए होंगे हाँ ठीक है तो ये वही है फिर यहाँ पर पोलका डॉट्स हैं और भी बहुत कुछ है मोर में हम लोग जाते हैं तो मोर सर्विसेज में आपको ट्रेडिंग का फाइनेंस में, में प्राइम पुल जा मिल जाता है अर्न मिल जाता है एट टू पॉइंट टू इको सिस्टम में पोलकाट इको एन एफ्टी जोन हैक्टो एंड स्टोरेज जोन ओके और अब हम लोग इस तरह स्लाइड करते हैं तो डोज में एटोर यहाँ पर अनाउंसमेंट दिया हुआ है ठीक है इन्वाइट अ फ्रेंड टू शेयर आपने मतलब कि एयर ड्रॉप टाइप का है कि आप इतना फ्रेंड को इन्वाइट करो अगर वो आएगा तो आपको कुछ डोज मिल जाएंगे ओके कुछ ऐसा टाइप का सो so, अब मैं मार्केट्स में आता हूँ तो ओके इसका जो सिस्टम है और सब की तरह ही है आइए मैं देखता हूँ इसमें ग्राफ कैसे बिल्डअप होता है सो कैंडल स्टिक ग्राफ है बहुत सही हम्म बहुत स्मूथ है और किसने जा, कितना बाई हुआ कितना लॉस हुआ सब कुछ इसमें यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है तो ये चीज़ भी अच्छी है यहाँ पे ये सब चीज़ें जो तो आपको दिख जा रही है कि आज के दिन इतना क्या हुआ था कैंडल कैंडल uh, हमारी ग्रीन भी हुई है तो इतना लोगों ने खरीदा भी था उस दिन तो बाई और सेल का भी दिखा दे रहा है तो सही चीज़ है कुल मिला के अगर हम लोग इसको पीछे जाते हैं और अब यहाँ पे यूएस डॉलर में भी है एच एस डॉलर में बी में भी आप देख सकते हो इथेरियम में भी देख सकते हो एच और अदर एल्ट में भी आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पर आप फेवरेट कॉइन रख सकते हो डेरीवेटिस भी रख सकते हो ठीक है ट्रेड में आते हैं तो ट्रेड में आप क्या कर सकते हो सेम हर उसकी तरह ही है क्या कहते हैं बाइनेंस और हर जगह जो ट्रेडिंग ऑप्शन होता है कि आप चुपचाप अपना स्टैकिंग भी कर सकते हो डेरिवेटिव्स में आते है, ये कुछ नया है तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव्स लिमिट कर सकते हो ऑर्डर कुछ अमाउंट मैंने मान लो पुट किया लाइक दैट बैलेंसेस जो तो अभी हम लोगों ने साइन अप नहीं किया तो balances तो और ऑल ओवर मतलब मुझे लगता है ये कि बैलेंस के बाद अगर मैं वर्ल्ड में बताऊँ तो ये एक अच्छा ऐप हो सकता है आ, इसका जेस्चर भी अच्छा है और इज़ी टू यूज़ है मैं जहाँ टच कर रहा हूँ तुरंत खुल जा रहा है सो so, मोर ओवर मैं इसको अगर मैं पाँच में से चार पॉइंट देना चाहूँगा बाइनन्स को तो पाँच में से पाँच देना ही पड़ेगा वजीरक्स में कुछ दिक्कतें मुझे आती हैं उसमें एक्सचेंज वगैरह करने में भी और उसके फीस वगैरह में तो मैं वजीरक्स को पाँच में से चार दूँगा कोइन को बेर को तो मैं पाँच में से दो पॉइंट दूँगा कॉइन डी सी है उसको मैं तीन देना चाहूँगा और बिट बी एन उसको मैं फाइव में से फोर पॉइंट फाइव सो अभी के लिए इतना ही अब हम लोग कल से मिलेंगे एक एक कॉइन के बारे में हम लोग उसका बैकग्राउंड जानेंगे कैसे कॉइन है डीफाई क्या है एन क्या है और उसके बाद हम लोग कॉइन्स में आके पंद्रह से बीस दिन का हमारा ये इन्वेस्टमेंट सीरीज रहेगा जिसमें मैं, मैं क्रिप्टो मार्केट पूरा अपने ढंग से इसको रिसर्च करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा जितना मैंने समझाया और इस बात को नोट करिएगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ मैं कोई सी नहीं हूँ तो मेरी बातों पर इतना भी भरोसा ना करें आप खुद का भी रिसर्च करें मैं अपना जितना रिसर्च कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको मैं बताऊँगा सो फ्रेंड थैंक यू की सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल Bell icon da bana bye bye